दोस्तों, बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के एंटी इंडिया स्टैंस के बारे में आप सबको पता ही है, और ये एंटी इंडिया स्टैंस हमें बीबीसी की रीसेंट डॉक्यूमेंट्री में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन बीबीसी ऐसा क्यों कर रहा है? इसका मेन रीजन ये है कि 2023 में पूरे वर्ल्ड का फोकस इंडिया पर रहने वाला है, क्योंकि इस साल इंडिया SCO एंड G20 समिट होस्ट कर रहा है। साथ ही एक इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश MP के अकॉर्डिंग इस डॉक्यूमेंट्री का टाइम कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि G20 समिट के साथ साथ आज UK के PM इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनाक हैं, और साथ ही UK एंड इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की निगोसिएशंस भी चल रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटिश MPs इस डॉक्यूमेंट्री को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही ये डॉक्यूमेंट्री हमारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी इंसल्ट करती है। दोस्तों, क्या इंडिया को भी 1943 की बंगाल फेमाइन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल थे, जिनको आज ब्रिटिश सोसाइटी में एक हीरो माना जाता है?